हमने जो लास्ट हमने स्टडी किया था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने स्टडी किया था लास्ट के अंदर। अच्छा, फाइल शेयरिंग के अंदर मैंने आपको बताया, फाइल शेयरिंग के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं ज़्यादा टॉरेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं इसके अंदर। और टॉरेंट्स जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अलाउड हैं, एज पर रूल अलाउड है। फिनलैंड है, बेल्जियम है, और डाउन डेनमार्क है, ये कंट्रीज हैं जहाँ पे टॉरेंट्स को अलाउ है, मगर ये अगेंस्ट द RIAA जो है चल रहे होते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ पहली बार ही टॉरेंट्स होते क्या हैं। अच्छा, टॉरेंट्स होते क्या हैं इसके अंदर? और ये देखिए, टॉरेंट वॉज अ फिनलैंड बेस्ड मेटा सर्च इंजन फॉर बिट टॉरेंट रन बाय इंडिविजुअल नोन एज फ्लिपी, फाउंडेड ऑन 24 जुलाई 2003। इट इंडेक्स टॉरेंट फ्रॉम वेरियस मेजर टॉरेंट वेबसाइट एंड ऑफर कंपाइलेशन ऑफ वेरियस ट्रैकर्स पर टॉरेंट है दैट वर नॉट नेसेसरी प्रेजेंट इन डिफॉल्ट। ठीक है बेटा, ये टॉरेंट्स को हम इसको यूज़ करते हैं, और ये कि दुनिया में जो है ये मना है, बंद है, इसको जो है अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। 2003 में फर्स्ट टाइम ये बनाए गए, और इससे आप बहुत सारी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं। अच्छा, फिनलैंड में क्यों है? क्योंकि फिनलैंड जो है आपको अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन को। सही है, तो फिनलैंड को तो एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा सर आपने गलत टॉरेंट खोलिया। वो टॉरेंट्स वेबसाइट जो फिनिश वेबसाइट सॉरी हाउ डज टॉरेंट एक्चुअली वर्क? असल में मैं सुबह से जो है ये नेट की वजह से थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ हुआ मसला, आई डोंट नो। मैं इसको बोलूंगा भाई, या तो मैं इसको बंद करवा दूंगा। अब ये नेट चल ही नहीं रहा, तो मैं डेटा पे चला रहा हूँ इस वक्त क्लास को। अच्छा, इसमें क्या थ्री साइंस वेयर आर प्रॉब्लम विथ मेटाबॉलिज्म? नहीं। अच्छा, बिट टॉरेंट वर्किंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पी टू पी नेटवर्क फ्रॉम शेयरिंग। और इसमें क्या है आपका ट्रेड सॉफ्टवेयर, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, डिजिटल बुक एंड ऑनलाइन बुक, ये सब आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी वर्किंग होती कैसी है, क्या कुछ होता है, ठीक है, तो बस यूँ समझ लीजिए आप लोगों ने टॉरेंट्स को पी टू पी नेटवर्क है आपके पास जो आपको अलाउ करता है सर्वर कनेक्शंस को के लिए, और इसमें इंटरनेट की स्पीड फास्ट होनी ज़रूरी है, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक बड़ा एक सोर्स है जिसको हम टॉरेंट्स कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, MGM वर्सेस ग्रॉकस्टर, ये मूवी स्टूडियोज हैं। अब आजकल आई डोंट नो, मूवीज मुझे इतनी देखता नहीं हूँ और मुझे आइडिया नहीं है मूवीज का इतना ज्यादा, तो आजकल जो है इंटरनेट पे मूवीज किससे देखी जा रही होती हैं क्या है मुझे आइडिया नहीं है, तो वजह ये मैं वेबसाइट भी नहीं खोलना चाह रहा क्योंकि अजीब सी वेबसाइट होती है। तो कौन सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो मूवी डाउनलोड के लिए बेस्ट है, जरा वो बता दीजिए। जी जरा बताएंगे, कोई वेबसाइट्स, कौन सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो कि मूवी डाउनलोड के लिए, क्योंकि पहले तो MGM था तो लिखा हुआ है ना ये वर्सेस ग्रॉकस्टर, ग्रुप ऑफ मूवी स्टूडियो रिकॉर्डिंग कंपनी, म्यूजिक पब्लिशर एंड सॉन्ग राइटर यूज ग्रॉकस्टर एंड स्ट्रीम कास्ट फॉर द कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट ऑफ देयर यूजर्स। सही है, तो ये जो है एक दो कंपनीज थी जिसको यूज करती थी, मगर राइट नाउ जो है इसमें क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कौन सी जो है वो कंपनी है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है और आपके जो कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ें हैं इसको शॉर्ट आउट कर रही होती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्या कुछ कोई बताना चाहेगा कौन सी वेबसाइट है या क्या कुछ है जो आपको मूवीज वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है? जी, नो आइडिया। अच्छा, ये बताना चाहे, कोई ऐड करना चाहे बता दें मुझे।
अच्छा खैर, उसके बाद आपके एक वेबसाइट है, उसका नाम है दी पायरेट बे। दी पायरेट बे की मैं बीबीसी की न्यूज़ दिखाता हूँ। ये दी पायरेट बे जो है वो क्या काम करती है, क्या इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन, दुनिया भर में जो एक्शन हुए हैं दी पायरेट बे पे हुए। ये क्या करता है आपके पास, अगेन दी पायरेट्स, पायरेट्स, जी ये दी पायरेट्स थे आपके पास आ गई। लेकिन ब्लॉक भी लिखा हुआ आ रहा है इसमें, सही। तो ब्लॉक लिखने की वजह क्या, इसको बंद कर दिया गया है, क्या है क्या नहीं है। तो इसकी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है आपके पास क्या कर रही थी, स्विडिश वेबसाइट है, और ये ज़्यादा मूवीज़ वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए, इस तरह की सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए पायरेट बे इस्तेमाल होता है। और उसके मतलब ये कि अच्छा, इस पे जो न्यूज़ है बीबीसी क्या कहता है, न्यूज अबाउट द पायरेट्स बे। अब ये लॉ पता लगेगा, ठीक है। द मेन पायरेट बे डोमेन वॉज सेट टू एक्सपायर 2020, हाउएवर द टॉरेंट फ्रीक पॉइंट्स आउट आफ्टर द फर्स्ट रिलेटेड डोमेन वॉज ऑप्शन ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन वॉज एक्सटेंडेड टू 2023। अच्छा, इसका मतलब ये असल में कुछ लोग हैं जो पायरेट बे को रन करते हैं, ये लैपटॉप को लेके घूम रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, और इस पर बहुत बड़ा एक्शन बीबीसी ने लिया था। और बीबीसी ने जब बहुत बड़ा न्यूज़ लिया, एक्शन लिया था, तो इनकी वेबसाइट को बंद कर दिया था, फिर उन्होंने दोबारा से ऑन कर ली। ये आप देख सकते हैं। मैं असल में रूल बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या ऐसा काम करते हैं कि इनको बंद किया जाता है। अच्छा, ये देखिए कुकीज आ रही हैं, ये बड़ी खतरनाक है, हम इनको ऐड कर लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नहीं, स्केप भी नहीं हो रहा है इसमें से। पायरेट बे हैज रिटन ऑनलाइन विद लिटिल फैनफेयर, ऑलमोस्ट अ माउथ ऑफ बीइंग ऑफलाइन विद नो एक्सप्लेनेशन फॉर फैंस एंड विद द अनअनाउंस्ड Return the suit has undergone a number of changes. ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा rules क्या हैं, क्यों बंद किया जाता है, क्या quit किया जाता है। तो visiting a domain which is blocked by default by vast majority of internet service provider in the UK displayed a message from the Cloudflare stating that the connection timeout according to the privacy focus the torrent free the download time was caused by the technical error. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, आप जो हैं दी पायरेट बे से मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये पता नहीं, ये अगर वीडियो चल जाए तो ज़्यादा पता लग जाएगा, मगर ये ऑलरेडी जो है ये कुकीज़ जो होती है ना आपके लिए बड़ी डेंजरस है, हमारे मसला करती हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। दी पायरेट्स बे मैंने बता दिया आपको, द पायरेट्स बे ने क्या काम किया, क्या कुछ नहीं किया, कुछ लोगों की चीज़ें थी जो इसने जो है वो डिस्प्ले की। मूवी एक ऐसा डोमेन है जो आपको बहुत सारी रिसोर्स दे रहा होता है, इसमें बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, और अदर कंटेंट, म्यूज़िक है, सही। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं बड़े आराम के साथ। तो इस वजह से इसको बंद किया जाता है, क्योंकि एज पर स्विडिश लॉ ये आपको अलाउ करता है। मगर अब यहाँ पर देखें, नाउ इन अपील कोर्ट इन स्वीडन अपहेल्ड विद द कन्विक्शन बट शॉर्टन द सेंटेंस, इंक्रीज द फाइन ऑफ 46 मिलियन क्रोनोर 6.5 मिलियन। इस पर पेनल्टी लगाई इन्होंने, स्वीडिश गवर्नमेंट ने भी पेनल्टी लगाई, मगर ये जगह छोड़ गए, ये आखिर में चले गए थे स्पेन, स्पेन के अंदर जाके ये लोग काम कर रहे थे, जो लास्ट न्यूज है। हाँ, लीगल म्यूजिक और इंटरनेट के अंदर आपके वो वेबसाइट जो है, आईट्यून्स हैं, वॉलमार्ट है, इस तरह की, और एमटीवी है, ये तमाम चीज़ें जो है म्यूजिक आपको दे रही होती हैं, और आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू डाउनलोड इट। अच्छा, प्रोटेक्शन फॉर सॉफ्टवेयर, जी सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोटेक्ट करें, जी आप लोग बताइए ज़रा। सॉफ्टवेयर को हम
प्रोटेक्ट करें कैसे? जी बोलिए, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कैसे करें? सॉफ्टवेयर के मतलब ये कि आपने सॉफ्टवेयर बनाई, एक सीडी बर्न की और जाके आपने क्लाइंट को दे दी, और क्लाइंट ने क्या किया कि वो सीडी जो है कॉपी करवाई और लोगों को भेज दी। जी आप उसको रजिस्टर करा दो अपने नाम से। अच्छा बिल्कुल, एक एक पॉइंट आगे बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बताएं सर, हम इस पे कोई भी DRM अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि बताएं। डेनोवो है। बिल्कुल ठीक है, जरा बताइए डिटेल में क्या हो सकता है। और सर DRM होता है ना, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम जो है, उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक डेनोवो एक कंपनी है, वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट करती है आपके सॉफ्टवेयर्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो आप उनको हायर करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलें दूसरा पॉइंट भी हो गया। और कोई और देखिए, नए नए आइडियाज आप आएंगे, हो सकता है FIPUC बना रहे हो, बना लें आप। और एनी गुड आइडिया? नो, मैं आपको निकालता दिखाता हूँ। सबसे आसान जो है क्लाउड पे, आप क्लाउड पे सॉफ्टवेयर रख दें, आपको जो पैसे दे उसको जब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दें, जिसको पैसे ना दे उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ना करें। सही है, तो आप जो है एक क्विक छोटा सा क्लास में असाइनमेंट है, बहुत छोटा सा, तो ये आप मुझे बताइए करके कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अ सॉफ्टवेयर। सही है, तो इसको मैं आप मुझे जो है वो कर सकते हैं, पहले आप निकाल लें इस चीज़ को। सही है, इसको आप निकाल लें, फिर मैं आपके लिए 5 मिनट्स के लिए खोलूंगा गूगल क्लास, और उसके अंदर आप देखें जो जवाब आप देते हैं तो उनके मार्क्स अभी राइट नाउ हम उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सॉफ्टवेयर। सही, क्विक जो है आपके पास, इंटरनेट से देखें आप, जैसे जैसे भी देखें, मगर मुझे ज़रा जल्दी से बता दीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपको ये लिख भी देता हूँ इसके अंदर चैट पे। सर जो मैंने बता दिया वो बेटा आप लिख दो ना उसको, क्या मसला है? सही, यही चैट पे लिखना है। आप पहले उसको अपने पास कंपाइल कर लीजिए, और उसके बाद मैं क्लास खोलता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके सर। सर आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं।
सर आपने बना दिए? सर ये सिर्फ नेम्स लिस्ट डाउन करने क्विज में असाइनमेंट में तो बेटा मैं गूगल क्लास ओपन कर दिए, उसके अंदर आप उसमें लिखते हैं इनके जो भी आंसर हैं ना उसको टर्न करते हैं उसको। 11:20 तक का टाइम है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसको डिफाइन भी करने उन सारे मेथड्स को नहीं, या फिर सिर्फ नेम लिख दें? लिस्ट लिस्ट बस लिस्ट करना है, तो वो नाम बता दें कि भाई इस तरह से हो सकते हैं। हाँ बस ये है। ऑल राइट सर, थैंक यू।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, शायद माइक ऑफ है। हाँ मैं बैठा हूँ बेटा, आप ये मुझे भेज दो, मैं चेक। सर तो क्लास नहीं कर रहे सर। बेटा आपको असाइनमेंट मिला हुआ है ना, आपने किया है वो? यस सर कर लिया है। मैं देखता हूँ कि किस किस ने जमा करा दिए। ये आपका एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह लोगों ने जमा कराया है। मैं इसकी अटेंडेंस भी कर देता हूँ, आप अटेंडेंस भी इसको मार्क कर दें। सही, हम शुरू करते हैं। सर हमें एज ए प्राइवेट कमेंट डालना है ना आंसर? बेटा टर्न इन करना है ना इसको, टर्न इन तो मतलब एक वर्ड फाइल सबमिट कर दूं या प्राइवेट कमेंट डाल दूं? आप मैं एक मिनट देख लेने दें, पहले मैं अटेंडेंस बता दूं फिर आपको कह देता हूं। सर हमने वर्ड फाइल सेंड करी है। अच्छा मैं देख लेता हूँ ना, एक मिनट बैठो। अच्छा आपने वर्ड फाइल दे दी है, ये भी अभी यहाँ शो होगी। ओके सर मैंने तो प्राइवेट कमेंट कर दिया है। अच्छा अच्छा एक मिनट में दूसरा देखता हूँ। सर मैंने भी भेजी है लेकिन नाम शो नहीं हो रहा आपके पास। मैं फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जिन्होंने प्राइवेट कमेंट किया उनका नाम बता दें। जिन्होंने प्राइवेट कमेंट किया उनका कोई नाम ताकि मैं ये चेक कर लूँ। ड्रामा एब्रेक। अच्छा अच्छा यहाँ पे देखो ना बेटा नहीं आ रहा ये। अच्छा आ गया आ गया, ठीक है। ठीक है ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा ठीक है ये राना, क्या नाम है, रामा। देखो बेटा ठीक है ये, ओके जबरदस्त। हाँ कोई मसला नहीं इसमें, ऐसे भी आप बस को टर्न यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं आपकी ग्रेडिंग वगैरह, मुझे असल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे कहा है कि ग्रेडिंग बच्चों की आप करते हैं, तो मैंने कहा भाई मेरे बच्चे जो क्लास ले रहे हैं उनके तो ग्रेड माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आपके सामने ही सारी की सारी चीज़ें जो मिस कर रहे हैं क्लास या जो मसले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहली बात ही मुझे ऐसा कोई मिला तो नहीं मसले करने वाला, मगर ये अटेंडेंस के अंदर कुछ बच्चों का मसला मुझे लग रहा है। ये तो आपकी क्लास है कोई और क्लास है? सर दिसंबर 4 की मेरी अटेंडेंस मिस थी तो वो मैंने मार्क कर दी थी, टाइम पे कर दिया था। अच्छा दिसंबर 4 की, अच्छा दिसंबर 4 या दिसंबर 5? सर एलएमएस पे, अच्छा दिसंबर 4 एलएमएस पे ना मेरे पास दिसंबर 4 की एब्सेंट आ रही है। सही है सर, ज्यादा फीस अब्दुल्ला नासिर एब्सेंट थे और मैं उसको देख लूंगा। आप तो एब्सेंट नहीं थे खैर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड में तो आप आ रहे हैं। जी सर जी जी। अच्छा यहाँ पर आपके पास एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होती क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती है जो आपको कुछ कॉपरेशन हैं जो कहती हैं कि हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर देंगे, पब्लिक को देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। नंबर वन लिनक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स है, BDS फ्री है यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपके पास ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी है,
ये तमाम चीजें जो है बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, Ubuntu है, Kubuntu है, Red Hat है, ये सब लिनक्स के अंदर ही आ रही होती है, Perl है, ये सब जो है ये नाम इसमें आ रहे होते हैं. ओपन ऑफिस इज अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी जो है इसकी वर्किंग है. ये तमाम ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसकी करने की वजह क्या है, लेने की क्या वजह वजूहत है? इसके लेने की सिर्फ एक ही वजह है कि पहली बार इसकी क्वालिटी नंबर वन, इसका कोई वेंडर है ही नहीं. सही है ना, इसका कोई वेंडर है ही नहीं अवेलेबल. उसकी सर्विसेज दैट इज रियली रियली गुड. तो और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पैसा नहीं है, आपको नहीं दे कोई, इसकी रिस्ट्रिक्शन मौजूद है ही नहीं. सोर्स कोड जो है और प्रोग्राम इंक्लूड इन द डिस्ट्रीब्यूशन और इजली अवेलेबल बाय अदर मीन. आपका सोर्स कोड हर जगह अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं है. और कितने लोग चाहे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई जो आपके लीगल राइट्स का इशू है वो उसके अंदर नहीं है. ये तमाम चीज़ें इसे मैटर कर रही है. सही है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है. अच्छा, इसके बाद जो है, अच्छा जी एन यू प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपको लिनक्स के प्रोजेक्ट्स हैं. ये एक पुरानी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त की चीज़ें हैं. मगर ये क्या, अभी या तो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट की है, मगर ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं. अब तो यूनिक्स तो है ही नहीं, और लिनक्स के अंदर जो है काम हो रहा होता है सारा. इम्पैक्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट होता क्या है? देखें, अगर आप एक म्यूज़िक सुन रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक म्यूज़िक सुन रहे हैं जो iTunes पर, दोनों में फ़र्क है, पैसों में फ़र्क है. तो ये दोनों में डिफरेंस होता ही होता है हर हाल के अंदर. और अगर कोई आप थोड़ी सी ऐप है वो आप ले रहे हैं एप्पल की, उसको आपको पैसे देने पड़ रहा है, आईफोन ने पैसे देने पड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे देने पड़ रहा है, मगर बाकी सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो ओपन सोर्स है, इसमें फ़र्क है. मेरी जमेंसी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर सॉफ्टवेयर. अच्छा, इसमें क्या है, राइट्स एंड बेस कॉन्स्टिट्यूशन आर्गूमेंट हैव बीन यूज फॉर ग्रांटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू दोज हु क्रिएट सॉफ्टवेयर. अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो उनको आप जो है राइट्स असाइन कर दे देते हैं, इनको इंटेलेक्चुअल राइट्स असाइन करते हैं प्रोटेक्शन के, कि ये उन्हीं के हैं और कोई और उसको यूज नहीं कर सकता. ये इसमें फायदा. अच्छा, राइट्स बेस्ड एनालिसिस, इफ यू वांट टू गिव ओनरशिप राइट्स टू दोज हु प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वी रन द प्रॉब्लम वी डिस्कस दैट बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. The second criterion of the just desired argument is that Locke's natural rights argument does not hold up well when extended to the realm of intellectual property. There are two crucial differences between intellectual property and intangible property. Each piece of intellectual property is unique, and copy intellectual property is different from the stealing someone something physical. अच्छा, इसके माने जो है, देखें और ये जो आपने जो चीज बनाई है वो आपके एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के आप कॉपीज जो है वो बनाना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, एक बेसिक डाउनलोडेबल डिवाइस तो ये, तो उसकी कोई ऐसा मसला नहीं है. मगर इसको स्टील चोरी के जमाने में लेके आना, कि ये वो डिफरेंट है, यानी कि आप फिजिकल चीज़ आपने चोरी नहीं की, कोई आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आपने जो इन चीज़ों को चुराया है, तो ये डिफिकल्ट, तो ये डिफरेंट है इसके दरमियान. अच्छा अच्छा यूटिलिटेरियन एनालिसिस, ये मैंने आपको शुरू में करवाया था मैंने आपको, और इसका एनालिसिस जो है वो है क्या, आप क्या सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन एनालिसिस. सही है, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था आपके पास, व्हेन सॉफ्टवेयर इज कॉपीड इट इज रिड्यूस सॉफ्टवेयर परचेज. अगर सॉफ्टवेयर जो है कॉपी होगी तो इसकी परचेज जो है वो कम हो जाएगी, उसकी ऑनरशिप जो है क्या कहते हैं उसका जो रॉयल्टी है वो कम मिलेगी लोगों को, और ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी ही आएगी हर हाल में. जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा वो इस बिजनेस में वो नहीं आएगा फिर. जी, ये वो चीज़ है, ये द चेन ऑफ रीजनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट फॉर व्हाई कॉपिंग सॉफ्टवेयर इज बैड. तो कॉपिंग सॉफ्टवेयर रिजल्ट इज रिड्यूस सॉफ्टवेयर सेल्स, डिक्लाइन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, रिजल्ट फ्यूअर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर कॉपिंग इज रॉन्ग. ये बात सही है कि आप सॉफ्टवेयर को अगर कॉपी कर रहे हैं तो उसके जो बनाने वाले हैं वो ऐसी बात थोड़े रह जाएंगे, और कॉपी जो है वो जो बेनिफिट उसको मिलने चाहिए और डेवलपर को वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे. सही है, तो ये बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो बातें नहीं. तो बेनिफिट जो है सोसाइटी, इसको यूँ समझ लीजिए कि एक हर बंदा कॉपी ही करेगा तो जो बनाने वाला वो क्यों बनाएगा.
ये बड़ा अच्छी है। अच्छा इस कंक्लूजन करके चैप्टर खत्म हो जाता है ये। एग्जामिन टू आर्गुमेंट फॉर व्हाई सोसाइटी आउट टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ जस्ट डिजर्ट। इट इज वेरिएशन ऑफ द नेचुरल राइट्स आर्गुमेंट वी डिस्कस एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। आर्गुमेंट इज वीक। द रेस्ट ऑफ द फॉल्टी अजम्पशन दैट अ नेचुरल राइट और टू ओनर ओन प्रॉपर्टी एक्सटेंड क्लियरली टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो बात तो वही है कि आपके पास आपको जो नेचुरल राइट्स आपको असाइन हुए हैं सॉफ्टवेयर के वो आप ही ओनर हैं और किसी और को राइट नहीं होता कि उस ओनरशिप के राइट को यूज करें कॉपी करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो इलीगल कॉपी बनाने में, ये ना करें। सेकंड आर्गुमेंट बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस इट होल्स दैट डिनाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर वुड हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। डेफिनेटली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो टाइम लगा रहा है सॉफ्टवेयर को बना रहा है, जो कोड कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो तो जाहिर से पता है एट द एंड ऑफ द डे ही विल ब्रिंग नथिंग, वो अपने घर से कुछ लेके नहीं जा रहा। सही है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन, हमने ये कर दिया, तो हम बता दिया इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो है एक समय मॉक एग्जाम जो है वो हम इस तरह के रखेंगे, जिनके असाइनमेंट्स रह गए हैं, क्विजेस रह गए हैं, रिव्यूज रह गए हैं। सही है, तो उसके अंदर आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर हमारा मॉक एग्जाम ले लें, तो उससे मुझे आइडिया ये हो जाएगा कि कुछ लोग जो है जवाब देते कैसे हैं, तो वो किस तरह के आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ, ताकि फाइनल के जो असाइनमेंट्स हैं या एग्जाम्स हैं जो भी कुछ है, ताकि मेरे लिए कोई सरप्राइज ना हो ना उनके लिए कोई सरप्राइज हो, तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें हों। आपकी क्लास जो है काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है, अच्छी क्लास है, और मेरे पास जो ICT की क्लास है वो भी बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वजह ये है। तो इंशाल्लाह जो है हम इस चीज़ को रखेंगे। मॉक एग्जाम्स मुझे बता दीजिएगा, आपके स्टैट्स जो है मेरे पास क्विज़ से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड सब मेरे पास मौजूद है इसके अंदर, आपके मार्क्स से रिलेटेड, तो ये मैं तमाम चीज़ें टर्न इन कर दूंगा, आपके मार्क्स डाल दूंगा इसके अंदर, देख लूँगा क्या क्या हो सकता है। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही डेंजरस आपकी क्लास से, तो मैं ये बाकी क्लासों में या दूसरी यूनिवर्सिटी में लगता था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ जो छुट्टियाँ कर रहे हैं उनका जो है फिर वो जाहिर सी बात है मुझे मसला है कि वो छुट्टियाँ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लास को जो है इसमें ऑफ करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा सर आपने मॉक एग्जाम्स की तैयारी करानी। सही है, तो उससे फायदा ये होगा कि फाइनल का भी अब काम हो जाएगा और एक चीज़ हो जाएगी। उसकी दूसरी बात ये कि एक और रिक्वेस्ट थी, एक डायरेक्शन आई थी टॉप मैनेजमेंट से, वो ये कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे रखवाई जाए और उसकी डेट अलग-अलग रखवाई जाए। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंटेशन रखवाएँ या पेपर लिखवाएँ या वाइट पेपर लिखवाएँ, ये आप मुझे बता दीजिएगा सोच के सर क्या होना चाहिए। तो जो क्लास कहेगी हम वो करवा लेंगे, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं होंगे, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हो गया, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का हो गया, इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, एक एक दो दो पेज के जो है वो आप जिसे बोलते हैं अच्छी सी एक रिपोर्ट बनाकर वो आप देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था मैं आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट थी, मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हमको रखते हैं। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो, एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क? ठीक है, वरना ये फयाज के यानी है वो मुझसे बात कर लें, वो जैसा मुझे कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। ठीक है, कि पेपर लिखवाना है या टर्म रिपोर्ट लिखवानी है, छोटी छोटी ज़्यादा बड़े नहीं, तो आप वो करके फिर उसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर से हमें थोड़ा सा डायरेक्शन है, तो ऐसा करवा लें। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।